ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब बच्चे? ठीक हैं? ओके माय डियर स्टूडेंट, बिफोर दिस वीडियो वी डिस्कस्ड ऑन फिक्शर। हमने फिक्शर के बारे में बात की थी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ टूर्नामेंट। यस, वी विल टॉक बाई सीडिंग, स्पेशल सीडिंग एक्सेट्रा। आज हम इनके बारे में क्या करेंगे? बातें करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाई, व्हाट इज बाई? वास्तव में बाई क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई एंड व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ बाई एंड व्हाट इज द एम ऑफ बाई? यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, लेट्स गो। बाई, बाई इज अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज ऑफ अ टीम दैट इज गिवन बाई डज नॉट प्ले द फर्स्ट राउंड। इट इज द डेफिनेशन ऑफ बाई। एज वी नो, व्हेन वी ड्रॉ अ फिक्सर ऑफ टीम्स रिलेटेड एनी टूर्नामेंट, इन दैट कंडीशन वी हैव टू फिक्स ऑल टीम्स एट देयर प्लेसेस, वैल्यूएबल प्लेसेस। यस, एंड व्हेन वी ड्रॉ द फिक्सर, इन दैट कंडीशन ऑन दैट टाइम वी हैव टू गिव द बाई, एंड बाई इज अ प्रिविलेज, इज अ एडवांटेज, अ शॉर्ट एडवांटेज, अ लिमिटेड एडवांटेज विच इज गिवन टू द टीम, एंड दैट टीम विच इज गिवन बाई डज नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड। यस, इट इज द डेफिनेशन ऑफ बाई। बाई के बारे में बताया है कि बाई वास्तव में क्या होती है। बाई एक, जब हम किसी टूर्नामेंट का फिक्स्चर बनाते हैं, सभी टीमों को उनके यथा स्थान पर रख देते हैं, और जब हम फिक्स्चर बनाते हैं, उनके मैचेस शो करते हैं, तो मैचेस शो करते समय क्या करते हैं? हम कुछ टीमों को बाई देते हैं। बाई भी क्या है? टूर्नामेंट का एक हिस्सा है, फिक्स्चर का एक हिस्सा है। विदाउट बाई वी कैन नॉट प्रिपेयर और प्रिपेयर आवर शेड्यूल ऑफ मैचेस। यानी कि बाई के बिना हम कोई भी मैच का शेड्यूल बना नहीं सकते, कोई भी फिक्स्चर नहीं ड्रॉ कर सकते। ये किसका पार्ट है? ये फिक्स्चर का, फिजिकल एजुकेशन का और टूर्नामेंट का पार्ट है। बाई वास्तव में क्या होती है? बाई वास्तव में एक ऐसा एडवांटेज होती है, ऐसा लाभ होता है जो किसी भी टीम को मिल सकता है, और ये एडवांटेज केवल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। अर्थात ये पहले राउंड के लिए होता है। किसमें? अकॉर्डिंग टू द टूर्नामेंट्स। जो फर्स्ट राउंड होता है, उस फर्स्ट राउंड में ही क्या होता है? ये बाई दी जाती है। यस, और जिसको बाई मिलती है, वह टीम क्या करती है? पहले राउंड में उसको मैच खेलना ही नहीं पड़ता, उसको बाई मिलती है और वह सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। मैं समझता हूं ये सभी समझ में आ गए सब बच्चों की। बाई इज अ शॉर्ट प्रिविलेज ऑफ अ टीम, दैट टीम विच गेट बाई डज नॉट प्ले, या विच इज गिवन बाई डज नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड, एंड बाई इज अ पार्ट ऑफ टूर्नामेंट और फिक्सर। विदाउट बाई वी कैन नॉट ड्रॉ द फिक्सर। इट इज क्लियर? ओके
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाई? द इम्पोर्टेंस ऑफ बाई इज टू गिव अ शॉर्ट और अ लिमिटेड एडवांटेज ऑफ एनी टीम. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बाई टू हेल्प टू ड्रॉ अ फिक्स्चर. यस, एंड विद द हेल्प ऑफ बाई वी कैन ड्रॉ फिक्स्चर इजिली. इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाई. आई थिंक इट इज क्लियर. बाई सभी की समझ में समझता हूँ आ गया होगा. इसके बाद आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट शेडिंग. इन सम शेड्यूल और फिक्स्चर वी कैन सी इजिली शेडिंग. यस, वी कैन सी शेडिंग कि वास्तव में शेडिंग क्या होती है. ठीक है, तो हम शेडिंग की वास्तव में शेडिंग क्या होती है और शेडिंग का तात्पर्य क्या होता है. ओके, व्हाट इज शेडिंग? शेडिंग वास्तव में क्या होती है? लेट्स गो. शेडिंग इज प्लेसिंग द गुड टीम्स एट प्रिविलेज प्लेस इन नॉकआउट फिक्स्चर. सीडिंग इम्प्रूव द नॉकआउट फिक्स्चर एज इफ प्रिवेंट्स गुड टीम्स फॉर क्लासिंग फ्रॉम क्लासिंग एट अर्लियर राउंड वेयर एज बी टीम्स गेट एलिमिनेटेड. यस, ये है आपकी सीडिंग. व्हाट इज सीडिंग? सीडिंग ऑल्सो प्रिविलेज्ड इन नॉकआउट फिक्स्चर वेयर वी कैन चेंज द प्लेस ऑफ गुड टीम इफ द गुड टीम्स आर क्लैशिंग इन फर्स्ट राउंड एंड दे आर इलिमिनेटेड वी कैन चेंज द प्लेस. ओके माई डियर, यानी कि हम कह सकते हैं सीडिंग क्या है? चेंजिंग या चेंजिंग द प्लेस ऑफ गुड टीम्स इफ देवर क्लैशिंग इन फर्स्ट राउंड एंड देवर गोइंग टू एलिमिनेटेड फ्रॉम टूर्नामेंट इन फर्स्ट राउंड या आफ्टर अवर फर्स्ट राउंड वी कैन चेंज द प्लेस. यस, यानी कि सीडिंग क्या है? सीडिंग वास्तव में बाई की तरह ही एक प्रीप्लेस्ड होता है, एक एडवांटेज होता है. किसमें? केवल नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसा होता है. कैसे? क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट इज कॉल्ड ऑल्सो सडन डेथ टूर्नामेंट. दैट टीम विल बी डिफेटेड, दैट विल बी इलिमिनेटेड. जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी. तो शेडिंग के माध्यम से क्या होता है? शेडिंग भी बाय की तरह एक एडवांटेज है जो नॉकआउट टूर्नामेंट में दिया जाता है, नॉकआउट फिक्स्चर में दिया जाता है. बाय चांस अगर कुछ अच्छी टीमें हैं, यदि अच्छी टीमें फर्स्ट राउंड में क्या है, उनके मैच आपस में क्लैश कर रहे हैं. सपोज करो मैच चल रहा है, उसमें नॉकआउट टूर्नामेंट है, उसमें साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया आपस में फर्स्ट राउंड में खेल रही हैं, फर्स्ट राउंड में उनके मैचेस हो गए हैं, तो दोनों में से एक ने एक टीम अच्छी बाहर हो ही जाएगी. तो उससे क्या होगा? तो जो ऑडियंस होते हैं उनका क्या है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. तो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए अच्छी टीम पहले राउंड में बाहर ना हो नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो क्या करती, उनका क्या है, प्लेस चेंज कर देती है. तो चेंजिंग द प्लेस of good teams if they were clashing in first round, that is called the seeding. यानी कि यदि अच्छी टीमें नॉकआउट के पहले राउंड में ही आपस में क्लैश कर रही है, उनके आपस में मैच हो रहे हैं और उनमें से किसी एक टीम को बाहर होना पड़ रहा है, तो क्या करते हैं, तो जो फिक्स्चर प्रिपेयर करते हैं वो कमेटी क्या करती है, उस टीम अच्छी टीमों का स्थान परिवर्तन कर देती है ताकि
उन टीमों का मैच फर्स्ट राउंड में ना हो और उनमें से कोई अच्छी टीम टूर्नामेंट से बाहर ना जाए। इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? द मेन रीजन, इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। अगर टीमें बाहर चली जाएंगी तो क्या होगा? ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यस, तो ये कहलाती है आपकी सिटी। इंपोर्टेंस एंड एम। व्हाट इज द एम ऑफ सीडिंग? द एम ऑफ सीडिंग इज टू गिव अ एडवांटेज ऑफ प्रिविलेज्ड इन नॉकआउट टूर्नामेंट और फिक्सचर दैट द गुड टीम नॉट बी इलिमिनेटेड फ्रॉम या आफ्टर ओवर वन राउंड टू मेक द इंटरेस्ट द प्लेस ऑफ गुड टीम्स आर चेंज्ड। दैट इज कॉल्ड द सीडिंग। इट इज द एडवांटेज, इट इज द एम, मेंटेन द इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस इज अ मेन एम ऑफ सीडिंग। यस, इट इज द मेन एम ऑफ सीडिंग। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, आफ्टर दैट वी विल टॉक ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच नेम इज स्पेशल सीटिंग। हम अब स्पेशल सीटिंग के बारे में बातचीत करेंगे कि स्पेशल सीटिंग वास्तव में क्या है। यस, लाइक द सीटिंग इट इज ऑल्सो अ प्रिविलेज फॉर टीम्स और प्लेयर्स। ठीक है, यानी कि जैसे एडवांटेज बाय में मिलता था, शेडिंग में मिलता था, उसी प्रकार से क्या है, स्पेशल शेडिंग में भी एडवांटेज मिलता है। और ये एडवांटेज कहाँ दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बातचीत करते हैं हम स्पेशल शेडिंग। ठीक है, व्हाट इज स्पेशल सीडिंग और व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल सीडिंग? इन स्पेशल सीडिंग द सीडेड प्लेयर्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल और सेमी फाइनल मैचेस। दैट इज कॉल्ड द स्पेशल सीडिंग। यस, इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट व्हेन एनी प्लेयर और एनी टीम पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल और सेमी फाइनल मैचेस, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल सीडिंग। इट इज द स्पेशल एडवांटेज और प्रिविलेज फॉर एनी प्लेयर। यस, ये होती है आपकी स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग क्या है कि स्पेशल सीडिंग वह होती है जब कोई खिलाड़ी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ना खेल करके सीधे क्वार्टर फाइनल या सेमी फाइनल में पार्टिसिपेट करता है, तो वह व्यक्ति को मिली हुई होती है क्या, एक स्पेशल सीडिंग। जब कोई व्यक्ति शुरुआती मैच ना खेल करके सीधे क्वार्टर फाइनल में और फाइनल सेमी फाइनल में मैच खेलता है, तो वो स्पेशल सीडिंग कहलाती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल सीडिंग? सीडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल सीडिंग इज दैट इफ द प्लेयर इज ऑन ए टॉप लेवल, हाई रैंक्ड प्लेयर इन दैट कंडीशन, एंड इन दैट कंडीशन वी कैन या द कमेटी रिलेटेड द टूर्नामेंट कैन गिव द स्पेशल सीडिंग। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सीडिंग ही विल बी प्ले इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचेस। यस, एंड द सीडिंग डिपेंड्स अपॉन द टूर्नामेंट्स लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, क्लस्टर, जोनल, इंटरनेशनल लेवल, इट इज डिपेंड ऑन इट।
बट इट इज क्लियर सीडिंग मीन्स व्हेन एनी प्लेयर प्ले डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचेस और नॉट प्ले इन अर्लियर मैचेस दैट इज कॉल्ड द स्पेशल सीडिंग। यस, मैं समझता हूँ स्पेशल सीडिंग के बाद सब आप लोगों ने समझ लिया है कि वास्तव में स्पेशल सीडिंग क्या होती है। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू समराइज ऑल। यस, इस वीडियो के अंत में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सभी बारे में बात करने जा रहा हूं, जो फैक्ट हमने लिए हैं या जिन भी मेन बिंदु पर बातें की उनसे बिंदुओं द्वारा लेते हैं और बातचीत करते हैं। चलिए, यानी कि बाई, बाई इज अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज ऑफ अ टीम। अ टीम दैट इज गिवन बाई डज नॉट प्ले द फर्स्ट राउंड, इट इज अ एडवांटेज ऑफ अ टीम दैट डज नॉट प्ले फर्स्ट राउंड एंड बाई ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टूर्नामेंट और फिक्चर एंड इट हेल्प टू ड्रॉ द फिक्चर। इट इज क्लियर, इट वॉज बाई एंड द एम ऑफ बाई हेल्प टू मेंटेन द फिक्चर, हेल्प टू ड्रॉ द फिक्चर, टू ड्रॉ द मैचेस, हेल्प टू मेंटेन द होल स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट, इट इज द मेन एम ऑफ बाई। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज शेडिंग, शेडिंग ऑल्सो अ एडवांटेज। यस, इट इज ऑल्सो अ एडवांटेज, चेंजिंग द प्लेस ऑफ अ टीम दैट इज कॉल्ड द सीडिंग। सीडिंग समझ गए आप लोग, यानी कि सीडिंग इज अ प्लेसिंग द गुड टीम्स एट प्रिविलेज्ड प्लेस इन नॉकआउट फिक्चर। सीडिंग इम्प्रूव द नॉकआउट फिक्चर एज इफ प्रिवेंट्स गुड टीम्स फ्रॉम क्लैशिंग एट अर्लियर राउंड वेयर एज वीक टीम्स गेट एलिमिनेटेड। इफ इन द फर्स्ट राउंड द गुड टीम्स आर क्लैशिंग इन नॉकआउट फिक्चर, इन दैट कंडीशन वी कैन चेंज द प्लेस ऑफ गुड टीम्स। चेंजिंग द प्लेस ऑफ गुड टीम्स इन नॉकआउट फिक्शन इन फर्स्ट राउंड दैट इज कॉल्ड द सीडिंग। इंपोर्टेंस ऑफ सीडिंग, मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस एंड डज नॉट एलिमिनेट एनी गुड टीम आफ्टर ओवर फर्स्ट राउंड, इट इज द इंपोर्टेंस। ओके माई डियर, एंड थर्ड पॉइंट इज स्पेशल सीडिंग, स्पेशल सीडिंग ऑल्सो अ एडवांटेज। ओके, इट इज ऑल्सो अ एडवांटेज इन विच हु गेट स्पेशल सीडिंग डज नॉट प्ले इन देयर अर्लियर मैचेस एंड डायरेक्टली प्ले इन क्वार्टर फाइनल और सेमी फाइनल मैचेस, that is called the special seating, means that player who get special seating does not play in first round, second round, also he plays in quarter final or semi final matches and it is depend only levels or ranked। It was the special seeding. The aim of special seeding is to give a opportunity of good player, of high ranked player. Yes, that is called the seeding, and it is the importance of seeding, special seeding. I think all points are clear. Now,
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन लीव द मैसेज. ओके, यू कैन लीव द मैसेज ऑन योर स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप, क्लास व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू ऑल्सो कॉन्टैक्ट योर क्लास टीचर. ओके माई डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.